हेलो डियर लर्नर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सीटेट जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, जिसके अंतर्गत सब कुछ बता दिया गया है। पहली चीज़ कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन कितनी तारीख तक भर सकते हैं, तो 27 अप्रैल से भर सकते हैं। लास्ट डेट जो आपके ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की, वो है आपकी 26 मई 2023। उसके बाद में जो आपकी फ़ीस है, उसकी भी डेट आपकी 26 मई ही है। फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी बाय द बैंक जो है वो 29 मई तक रहेगा। साथ में अगर आपको कोई करेक्शन करना है, यानी कि फॉर्म भरने के दौरान यदि आपसे कोई गलती हो जाती है, तो उसकी डेट आपकी 29 मई दी गई है। इसके बाद 29 मई से लेकर के 2 जून तक आप अपने फॉर्म को करेक्शन के लिए दे सकते हैं, करेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इसके बाद कोई करेक्शन हो जाए, तो फिर कोई भी चांस नहीं है आपका, ठीक है। आप एडमिट कार्ड जो होगा, देखिए वो आपका एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेंटर आपको पहले इस बार बता दिया गया था, हो सकता है कि इस बार भी आपको आपके जो सेंटर हैं वो पहले बता दिए जाए, ठीक। उसके बाद में डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपका क्या होगा भैया, जुलाई से अगस्त के बीच में आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। साथ में रिजल्ट जो है वो आपका सितंबर में आ सकता है, यानी कि जून, यानी कि आपका जुलाई से अगस्त के बीच में पेपर होगा, तो सितंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा टर्न टेबल मतलब कहा गया कि ये संभावना है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है एक आध दिन लेट भी हो सके, आगे पीछे भी हो सकता है। अच्छा, अगर मैं डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं, तो हमने आपको बताया जुलाई से अगस्त के बीच में पेपर होगा। एंट्री जो होगी आपकी एग्जामिनेशन सेंटर में, वो आपकी 7:30 और 12:30 PM पे हो जानी चाहिए। जो आपके एडमिट कार्ड की चेकिंग है वो आपकी 9 से 9:15, 2 से 2:15 के बीच में। साथ में जो चेकिंग ऑफ कंप्यूटर है वो 9:15 और 2:15, क्योंकि 2 मीटिंग में एग्जाम होता है ना, ये 9:15 सुबह वाली मीटिंग की बात हो रही है, 2:15 ये आपकी शाम की मीटिंग वाली बात हो रही है। लास्ट एंट्री यानी कि गेट कब क्लोज़ हो जाएगा आपका, तो 9:15 पे गेट क्लोज़ हो जाएगा, यहाँ पर भी 2:15 पे आपका गेट क्लोज़ हो जाएगा। टेस्ट कमेंसेस 9:30 बजे से आपका पेपर शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका 9:30 बजे से पेपर शुरू होगा। मीटिंग 2 की अगर मैं बात करूँ, सेकेंड मीटिंग में आपका 2:30 बजे से पेपर शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन एज पर टाइम शेड्यूल गिवन अबव, यानी कि इस टाइम के अगर बाद में आप पहुंच रहे हैं तो आप सोचो कि आपको एंट्री मिल जाए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्वालिफाइंग सीटेड वुड नॉट कन्फर अ राइट टू अर्न एनी पर्सन ऑफ रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट एज इट इज़ ओनली वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको सीटेट का सर्टिफिकेट मिल जाए तो आपको नौकरी मिल जाएगी। सीटेट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक टेस्ट है, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश में वैकेंसी के लिए सुपर टेट देना चाहते हैं, तो आपके पास अगर सीटेट है तो आप मान्य होंगे, बस इतनी सी बात होती है, ठीक है। एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हो, तो जो भी आप अपना मोबाइल नंबर दें, जो भी आप अपनी मेल आईडी दें, वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, आपकी ही होनी चाहिए, क्योंकि जो आगे के OTPs वगैरह होंगे और जो आगे का रिजल्ट वगैरह होगा, उसमें आपका इस मोबाइल नंबर और ईमेल का यूज़ रहेगा, ठीक है। तो ये थी एक बहुत अच्छी सी न्यूज़। अगर आप अभी फिर से सीटेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या आप इससे पहले वाला जो सीटेट एग्ज़ाम दिए थे उसमें आपके अंक कम आए थे, फिर से देना चाहते हैं, तो आप अपने इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब सीटेट के जो नोट्स हैं वो हार्ड कॉपी में अवेलेबल हैं, उसके लिए आप 9411-9691-20 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको सीटेट के नोट्स की PDF चाहिए, तो वो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको हार्ड कॉपी के माध्यम से नोट्स चाहिए, तो आपके पास फिर से मैं एक नंबर लिख दे रही हूँ, 9411-9691-20, इस पर आप हमसे WhatsApp के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ साथ PDF के लिए एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगी PDF, आप वहाँ से भी उसको लेकर के पढ़ सकते हैं आसानी के साथ में, ठीक है। जो सीटेट एग्ज़ाम होता है वो आपका कैसा होता है, समझ पर आधारित होता है, तो जो भी आपके कंटेंट हो, जो भी आपके पॉइंट हो, इसमें पैडागॉजी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो समझ के आधार पर आपको अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आपको जानकारी पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, तथा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के साथ साथ लिंक जो सारे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप हमसे वहां से भी जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी संपर्क कर सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी, होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको
फटाफट से शेयर करना इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक करना तथा कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।